अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेटवे इन्फो नेटवर्क, हमारा यूट्यूब चैनल। द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल वॉरियर्स, सहाबी रसूल, एक महान योद्धा की दास्तान जिंदगी। दुनिया की तमाम औरत जात की आइडल, आयरन लेडी, द पिलर ऑफ इस्लाम, हजरत उम्मे अमर्रा नुसैबा बिन्त कअब रजी अल्लाह ताला अन्हुम, मुस्लिम दुनिया की पहली औरत योद्धा है जिसने धरती की महान सेना कमांडर खालिद बिन वलीद के खुखार दस्ता के सामने जख्मी और खून से लहूलुहान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजती ढाल बन के खड़े हुए और काफिर फौज से जंग लड़ते हुए इस्लाम की वजूद को बचाया। 625 की 23 मार्च बहुत पहाड़ी की वादियों में बहुत की मैदान जंग, बदर की जंग की पराजय का इंतकाम लेने आए 3000 कुफर सेना जिसकी अगुवाई कर रहे अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और अबू जहल की बेटा इकरामा बिन अबू जहल। 3000 कुफर सेना सिर्फ 700 मुसलमान सेना के सामने जंग हार के जब मैदान छोड़ के भागने लगे तो खुशी से मुसलमान सेना अपना आर्ट ऑफ वॉर के अनुसार तैनात जगह और पोजीशन छोड़ के भागे हुए कुफर सेना की माल लूटने में लग गए। इस सूरत हाल को देखते हुए अचानक दूर पहाड़ी में छुपे काफिर सेना की खुखार एलिट दस्ता लेके मौके की इंतजार करता जनरल खालिद बिन वलीद ने हिट एंड रन पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमान फौज पर दोबारा हमला कर दिया। पलक झपकते ही पूरे वहद की मैदान जंग की सूरत बदल गए और 74 मुसलमान सेना शहीद हो गए। काफिर सेना दस्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की नियत से चारों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़ते आ रहा था। तहस नहस मुसलमान फौज इधर उधर भागते फिर रहा था और बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के बीच में फंस गए। दुश्मनों ने तीरों की बारिश करते हुए शान कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की मंसूबे से तेज आक्रमण कर दिया। पैगंबर दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांत मुबारक शहीद हो चुके थे। खून से लहूलुहान रसूलुल्लाह की हिफाजत में खड़े सहाबियों ने तीर और तलवार के हमले से एक एक करते हुए बेहोश होकर जमीन में गिर रहे थे। दुश्मन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच अब कुछ खास बाधा नहीं रह गया था। अब्दुल रहमान बिन आफ रजी अल्लाह तआला अन्हु पैरों में तीर लगे तो गिर गए। शाद बिन अक्कस रजी अल्लाह तआला अन्हु तीर से हमला कर रहे थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में उनको तीर दे रहे थे। दुश्मन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच अब तीर की नहीं सिर्फ तलवार की दूरी रह गए थे। एक काफिर दुश्मन ने तलवार से हमला करते हुए रसूलुल्लाह तक वार करने आ गए। तलवार से मुकाबला करते तब सामने आए उम्मे अम्मारा नुसैबा बिन्त कअब रजी अल्लाह तआला अन्हु। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफेंस प्रोटेक्शन में तैनात इस महान बहादुर औरत हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अब सेल्फ डिफेंस के भी मौका नहीं बचे थे तो खुद की जान की बाजी लगा के कुफर सेना पे वार कर दिया। अनगिनत दुश्मनों की चारों ओर से तलवार की बार फिर भी परवाह किए बगैर जंग लड़ते गए। एक एक करते हुए 12 दफा दुश्मनों की तलवार की चोट खाए। दाहिना कंधा तलवार की चोट से कट चुके थे, बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में ना बहते हुए खून की परवाह किया ना जख्मों की परवाह की, बहादुरी से कुफर सेनाओं के साथ मुकाबला करता रहा। यह मुकाबला तब तक चलता रहा जब तक मुसलमान फौज दोबारा वहद की मैदान जंग में वापस नहीं आ गए। जब मुसलमान फौज दोबारा मैदान जंग में वापस आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तैनात हो गया तब जाके हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरा दिन जब होश आए उनकी लबों पे पहला सवाल था, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा है? इस्लाम की दूसरा जंग में पहली औरत योद्धा नुसैबा बिन्त कअब उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े हुए उहुद की मैदान जंग में, और ये तलवार फिर कभी नीचे नहीं आया। जब जब मुस्लिम दुनिया को सिपाही और तलवार की जरूरत पड़े नुसैबा बिन्त कअब उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े मिले। मदीने की बनू नजर कबीले की बहादुर बेटी वो खुशनसीब औरत में से थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बायत किया था। पढ़े लिखे होने के नाते उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की औरतों में तीन इस्लाम की प्रचार प्रसार किया करती थी और औरतों की एडुकेशन का काम किया करती थी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए तो हमेशा दुश्मनों के सामने खड़े रही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजती दीवार बन के। जिन 1400 सहाबियों की काफिला हुदैबिया में पड़ाव डाला था और मक्के की काफिरों से मुसलमानों की पहली लिखित संधि हुआ था हुदैबिया की संधि,
उस वक्त वो काफिले में भी उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी। जंगे हुनैन और इमामा की जंग में भी शामिल रही इस्लाम की ये बहादुर सहाबी रसूल। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक आजिम बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक बहादुर माँ भी थी। उनकी दो बेटे अब्दुल्ला बिन जैद अल अंसारी और हबीब बिन जैद अल अंसारी इस्लाम के लिए जंग करते हुए शहादत को कबूल किया। मुस्लिम दुनिया के एक आइडियल लेडी महान सहाबी रसूल उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम दो जहान में शान शौकत के साथ लिया जाता है। इस्लामी इतिहास में खुद की जानो माल औलाद तक खुशी से कुर्बान करने वाले महान सहाबियों में उम्मे उम्मारा के नाम बहुत ही शान से लिया जाता है। ये अजीम योद्धा इस्लाम की आयरन लेडी के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके दूसरों को भी ये वीडियो देखने में सहायता करें।